a very beautiful idea. The idea is the following. मैं एक सवाल करता हूँ कि लेट्स से कि आपने एडिशन बनाया, आपने एडिशन वीडियो टीजर बना लिया है, वैसे भी आपको एडिशन की ऑपरेशन करना है, राइट? नाउ इट इज द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. इफ आई आस्क यू दिस कि आई वांट टू मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल आई वांट टू मल्टीप्लाई, कैन यू मल्टीप्लाई विद द नंबर 2 डिजिट 54 55 54 55 आपको डिजिट बाई डिजिट मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, दूसरे दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ उसको एड करते जाएंगे, राइट? हियर इज अनदर आइडिया. The idea is, can you multiply without using that multiplication? Yes, sir. Can you do with only addition? Yes, sir. How can you do? 25 to 2 times plus. Do you all agree? Yes, sir. यही idea. से अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं, बट इमेजिन इफ आई गिव यू टू नंबर्स एंड दे आर 100 डिजिट लॉन्ग नंबर, नाउ वी आर इन ट्रबल, बिकॉज़ इफ द लूप, आई मीन इफ यू लूप लाइक दिस, कि भाई एक फॉर लूप है जिसमें ह्यूज इंटीजर आपने यहां बनाया हुआ है, ह्यूज इंटीजर टाइप का आई बनाया जिसको आपने 0 से इनिशियलाइज किया, और फिर आपने लिखा ह्यूज इंटीजर लेस देन 0, ये ए मल्टीप्लाई भी करना. अगर आपने शुरू में रिजल्ट में क्या पढ़ा, रिजल्ट भी एक ह्यूज इंटीजर है और इसको आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर आपने कि ह्यूज इंटीजर लेस देन और लेस देन क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, ह्यूज इंटीजर प्लस प्लस, एंड यू नो आपने ये प्लस प्लस ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ है, और शुरू में इसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, राइट? और ऑल यू आर डूइंग इज दिस लेस प्लस इक्वल टू क्या, सो यू वांट टू ऐड ए हाउ मेनी टाइम बी टाइम, ठीक है, दिस एल्गोरिथम इज फाइन, इट विल गो टू वर्क, बट द इशू इज बाय द वे ये एल्गोरिथम चलने के लिए आपको कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड करने चाहिए, इक्वल टू 0 व्हिच मींस इंटीजर सेपरेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आपको चाहिए इंटीजर वाला, प्लस प्लस चाहिए इंटीजर वाला, और यहां पे प्लस इक्वल टू भी चाहिए, डू यू ऑल एग्री? यस, ठीक है. और अगर आखिर में फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं सी आउट रिजल्ट, तो आपको ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है, बट हियर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इफ आई से बिकॉज़ फॉर अ ह्यूज इंटीजर, इट डजंट मीन इट कुड बी पॉसिबल दैट दीस टू नंबर्स आर एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली बिग मीन इट कुड बी पॉसिबल इफ इट इज अ लेट्स से 200 डिजिट लॉन्ग नंबर, एंड दिस इज आल्सो अ ऑलमोस्ट 200 डिजिट लॉन्ग नंबर, ओके, इफ इट इज अ 200 डिजिट लॉन्ग नंबर, then can you imagine how much time is required? How much time it is? Let's try to figure out this. आप ये जो लैपटॉप चला रहे हैं वो कितने फास्ट है? 3.4 GHz. किसी का 3.4 है, बड़ा ऊपर है, किधर का दिशा, किधर का दिशा, हाँ किसी का इससे ऊपर है, किसका है कितना, कितने 3.4, हाँ जी किसी और का 3.8 से ऊपर निकल गया है, थोड़ा सा है, हां 30 का, किसका है 30, ये तो है, हां है, अच्छा लेट्स से कि आप में से मैं हम इमेजिन करते हैं कि किसी के पास लेट्स से 10 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आ गया, वैसे तो यहां नहीं बताऊंगा, 10 गीगाहर्ट्ज़ कितना होता है, 10 गीगाहर्ट्ज़ एक्चुअली होता है कि तुम लोग डीएनडी पढ़ो तो तुमने होते कि पढ़ा तो पल्स होती है, और उसमें ये होता है कि एक्चुअली 10 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि वो इतनी पल्स एक सेकंड में जनरेट होता है, ओके, और जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे करना शुरू किए
काउंटर वगैरह बनाने शुरू किए, काउंटर नहीं बट एडिशन के लिए या मल्टीप्लेक्सर वगैरह बनाने शुरू किए. बट क्या यू विल गोइंग टू मेक दीज सर्किट्स जो कि एडिशन के होंगे, सब्ट्रैक्शन के होंगे एंड सो ऑन. एक्चुअली आप एक एडिशन के लिए करेंगे और सारा कुछ उसके लिए सिंपल रहेगा. नाउ द थिंग इज अगर बाय द वे जो एडिशन ऑपरेशन होता है उसमें मल्टीपल आपके साइकिल्स लगे होते हैं, जो जो टिक्स होती है ना, जो क्लॉक, जो क्लॉक टिक्स यूज चल रही होती है, वो काफ़ी सारी टिक्स आपको चाहिए होती हैं एक एडिशन ऑपरेशन करने के लिए. ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उससे भी ज़्यादा चाहिए. Let's imagine कि जी वैसे बाय द वे वो और वो थाउजेंड में होती है, थाउजेंड बल्कि मिलियन में भी शायद. ठीक है, इतनी क्लॉक टिक्स चाहिए होती है उसको उसको आंसर कंप्यूट करने के लिए. ठीक है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि लेट्स से वो हर एक क्लॉक टिक के ऊपर वो एक एडिशन करता है. ठीक है, हम इमेजिन नहीं करते कि लेट्स से वो ये पूरा फॉर लूप जो है, ये बात ठीक नहीं है, बट ये कि हम कहते हैं यार चलो हम आपको लीवरेज देते हैं, हमने कोई बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर बना लिया है जो इस फॉर लूप को एक क्लॉक टिक में चला सकता है, एक क्लॉक टिक में चला सकता है. 10 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर का मतलब क्या है, जिसने 10 गीगा क्लॉक टिक्स एक सेकंड में जनरेट करना, कितनी जनरेट करनी है, 10 गीगा क्लॉक टिक्स जनरेट करनी है एक सेकंड. 10 गीगा कितना होता है, 10 × 10 का पावर 9. ठीक है, 10 गीगा क्लॉक टिक्स वो एक सेकंड में जनरेट है, एक सेकंड में चलाता है. एवरीबॉडी एग्री विद दिस? और हम कहते हैं लेट्स से कि वो एक क्लॉक टिक में एक दफा ये फॉर्मूला चला चलाता है, ये बात बिल्कुल गलत है लेकिन बट लेट्स से कि वो कर रहा है. ठीक है, अब बहुत ज्यादा टाइम लेता है लेकिन लेट्स से कहते हैं हमने बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर बना लिए जो जी पैरल प्रोसेसिंग करके ब्ला 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 करके इसको बैठा ही चला रहता है एक क्लॉक टिक के. चलो इसका मतलब है ये एक ये जो फॉर लूप है एक सेकंड में कितनी दफा चल रहा है, 10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, एक क्लॉक टिक में एक दफा वो चलता है, और तो एक सेकंड में कितनी दफा चला है, जो 10 गीगाहर्ट्ज है तो एक सेकंड में उसने कितनी क्लॉक जनरेट कर दी, 10^10 कर दी. ऑल एग्री? अच्छा अब सुनो बात, हमने जो मल्टीप्लाई करना था वो करना था तकरीबन 10^200 डिजिट लॉन्ग नंबर है ना वो, और ये भी तकरीबन 10^200 डिजिट लॉन्ग नंबर है, तकरीबन मैंने इनको मल्टीप्लाई करना 1040 है ना, सॉरी 10^40 कौन सा है, 10^200 है. अगर मैं बट 200 डिजिट लॉन्ग नंबर मैं कहता हूं तो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है ना, डू यू ऑल एग्री कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है. ठीक है, now look at this. My question is how many times this for loop will be executed, how much time it will take to execute this program. Okay, now look at this. 40 seconds. Takriban 40 seconds. Abhi bata tumhari mathematics jo hai na wo usko bhi theek kar rahi hai. 10^200 times se chal raha hai because b ki value kitni hai, 200. 10^200. Do you all agree? Yes. What? देखने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूज इंटीजर में यहां पे चलते जाना है और b की वैल्यू तकरीबन 10^200 है ना, कितनी दफा इस लूप में चलना है, 10^200 दफा चलना है, एक सेकंड में वो कितना चार्ज चला देता है, 10^10 दफा चला देता है. ठीक है, अब अगर ये फॉर लूप पूरा मैं देखना चाहता हूं कितनी देर में चलता है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे करते हैं. अगर आपको मैं कहता हूँ भाई आप एक सेकंड में 10 रोटियां खाते हैं और आपने जी आपके पास 200 रोटियां हैं, ठीक है, तो कितनी कितने सेकंड में आप सारी रोटियां खा जाएंगे, 20 सेकंड में. ये बड़ा बिजली खाती है, कैसे निकाला हमने, 200 डिवाइड बाई एक सेकंड में इतने खाते हैं है ना, तो आप एक सेकंड में ये चलता है और टोटल इतनी दफा चल सकते, कितने सेकंड लगेंगे, 10^200 डिवाइडेड बाई दिस मच क्वांटिटी. ओके, कैन यू गेस हाउ मच दिस क्वांटिटी इज, this is light second. ठीक है, this becomes 10^190 seconds. Do you all agree? Can you guess how many seconds are these? 90. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कितने दिन? Let's try to figure out. अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो divide by 60 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, है ना?
अगर मैं इनको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिवाइड बाय 60 और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और, अगर मैं आवर्स टैकल में दिन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिवाइड बाय 24 कर देंगे, ऐसे ही ये आ जाएंगे जी डेज, ठीक है। अगर मैंने ईयर्स में कन्वर्ट करा तो मैं इसको 365 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ गए ईयर्स, है ना। और अगर मैंने सेंचुरी से डिवाइड, सेंचुरी से कन्वर्ट करा तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ सेंचुरीज, है ना। लेट्स ट्राई टू कंप्यूट दिस, हाउ मच दिस इज। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये 0 0 कह रहे हैं कि ये जो 60 है वो लेट्स से हम कहते हैं यार आपको ये भी दिखे देते हैं, ये तकरीबन थी आपके पास एक सौ एक मिनट एक एक आवर में 60 मिनट की बजाय आप 100 मिनट देते, आप एक एक मिनट में 60 सेकंड की बजाय आप 100 सेकंड, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 24 आवर होते हैं ना एक दिन में, 24 छोड़ो ये भी सवाल है बस, ठीक है, जो नहीं होते बट मैं आपको सीन कर ये कितना पड़ेगा 365, मैं इसको अलग कर देता हूं यार, चलो ठीक है। आप जो ईयर था वो ये बढ़ा दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 पावर 2 कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 10 पावर 11। और चलो जी कंप्यूटेशन में 10^190 डिवाइड्स बाय 10^11 है ना, दैट इज 10^179 सेंचुरी। इट विल टेक दीस मेनी सेंचुरीज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लग रहा है ऐसे कैसी अप्रोक्सीमेशन की है। अच्छा एक और मैं तुम्हें बात करूं, इमेजिन दिस कि लेट्स से कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब पता है ये बहुत सारे कंप्यूटर मिलके ही काम करते हैं। आप ये कोर्स पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट किस तरह होती है वो आप पढ़ेंगे। लेट्स से कि मैं पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स भी मिलाकर ये काम करना चाहूँ, एक कंप्यूटर कर करते हैं ना, अगर मैं सारे दुनिया के सारे कंप्यूटर भी इसको यूज करना चाहूँ दुनिया में कितने कंप्यूटर होंगे, आबादी कितनी है 7 अरब, तो यार हम 10 अरब ले लेते हैं, पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर को मिलाकर ये काम करना चाहूँ ना तो भी मुझे 10^169 सेंचुरी लगेगी। हम एक काम करते हैं, ये बच्चे यही मैंने मल्टीप्लाई प्लीज लुक एट दिस, मतलब ये फॉर लूप लगाया था, फॉर लूप यूज इंटीजर जी क्या था आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू बी और आई प्लस प्लस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 25 को मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ट्राई टू लुक एट द प्रोसेस व्हाट आई एम डूइंग, ओके लुक एट दिस, मैं यहां पे टेबल्स बना रहा हूं, ऑलराइट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। ये रिजल्ट है, रिजल्ट में पहले मैंने पता क्या रख दिया, पहले मैंने रख दिया ए, रिजल्ट में ए आने से क्या होगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम है सी, सी की वैल्यू रखता हूं 1, ओके सी की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब सी की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि मैंने कितनी दफा ऐड कर दिया, एक दफा मैंने एक दफा ऐड कर दिया, ओके किसी को एतराज तो नहीं,
है ना. बट नाउ लेट मी डू दिस रिजल्ट प्लस इक्वल टू रिजल्ट. ओके व्हाट डज दिस मीन. रिजल्ट में जो भी वैल्यू थी वो उसमें है. और साथ में ये कहता हूँ c प्लस इक्वल टू c. काउंट भी एक बढ़ गया. किसी को इतराज हो रही ये मैंने एक किया ना. एक ये कौन था दे अभी तक जो रिजल्ट है उसमें क्या आया हुआ. अब 10 में रिजल्ट में आया हुआ है पहले 25 और c में क्या वैल्यू है 5. जब इसमें वैल्यू रहती है 15 तो उसमें डायरेक्ट. अब अगर मैं ये काम बार बार करता हूँ अभी तो बताओ ये जब बोलेगा 100 तो ये हो जाएगा 4. और जब ये हो जाएगा 200 तो ये हो जाएगा 8. और जब ये हो जाएगा 400 तो ये हो जाएगा 16. और जब ये हो जाएगा 800 हाउ मेनी एडिशंस आई हैव डन. 32 done. But there is a problem. Do you all agree? This is a much faster way of addition. Yes. But this is a problem. The problem is the following. If I have, for example, this 64, this 100. If this 100, then this 64 I have done. But if I double this, then it will be a problem. What problem is that? 128 to multiply, we have done 100 to multiply. Everybody agree, ठीक है ना. जब ये instance होता है तो हम बता करते हैं, हम दोबारा से शुरू करते हैं और दोबारा से शुरू ये करते हैं. Let me solve the same problem again. But now what I will going to solve is this. क्या? कि अब मैं दोबारा से next problem शुरू करूँगा और problem ये होगा again result में compute करो वही वाली चीज़, ठीक है? ये result two है, ठीक है? और अब जो problem था वो पहले problem क्या था मैं? वो था 25 मल्टीप्लाई बाय 100. ये मैंने सॉल्व करना था. जिस मोमेंट पे मैं डबल करने लगूं और वो एक्सीड करने लग जाए मैं एडिशन रोक दूंगा. बल्कि उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं दोबारा से एडिशन स्टार्ट करूंगा. बट नाउ माय प्रॉब्लम विल बी द फॉलोइंग. अब वो प्रॉब्लम ये होगी कि आप 25 को मल्टीप्लाई करो बट मल्टीप्लाई करना कैसे करना. 64 को माइनस करो 36. इस प्रॉब्लम से देखो ना, मैंने जो आंसर निकाल लिया वो कितना निकाल लिया. ये आंसर क्या है? ये आंसर मुझे बता रहा है कि एक्चुअली मैंने 25 मल्टीप्लाई बाय 64 को कंप्यूट कर दिया. बट कितना कंप्यूटेशन होना बाकी है? 25 मल्टीप्लाई बाय 36. मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर होगा, है ना? अगली दफा मैं ट्रेडिंग कर जाएंगे उसके बाद एक हां मैंने 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करना था. 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करना था. मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा कि पहले मैं रिजल्ट में ए रख देता हूं पहली वैल्यू और उससे मैं डबल करना शुरू करता हूं. और मैं डबल तब तक करता रहूंगा जब मैं ऐसे इंसिडेंट नहीं पहुंचता कि जब मैं नेक्स्ट टाइम डबल करने लगूं तो वो उसकी पावर से एक्सीड कर जाए. सौ से डबल उस मोमेंट में रुक जाऊँ. उस मोमेंट में जो भी रिजल्ट में आया होगा, रिजल्ट में क्या आया होगा, रिजल्ट में ये रह गया. ऑलराइट. और अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई ये दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्व करो. लेकिन हम प्रॉब्लम पता क्या सॉल्व करना, तो आप 100 में से 34 माइनस कर दो जो कि एक्चुअली इस सी में पड़ी हुई जरूरत है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. 64 से भी तो कर सकते हैं स्टार्ट. हां बाकी कर दो 64 से हम स्टार्ट. मैं
मैं 25 में पहले रखता वैल्यू, अब ये क्या होगा 25 में पहले वाली बड़ी होगी रिजल्ट में, और ये मान लो अब फिर कर रहा हूं मैं फिर हो जाएगी 50 फिर 50 और 2 अब फिर क्या रहेगा 100 और 4 फिर क्या रहेगा 208 फिर क्या रहेगा 416 अब फिर क्या होगा 800 दोबारा से नया इंस्टेंस शुरू करेंगे और वो इंस्टेंस होगा किसका कि आप हम दोबारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है और अब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा डज इट मेक सेंस ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस सर ठीक है माय क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम दिस डबलिंग टेक्निक विल टेक हाउ मच टाइम ओके पावर में इंक्रीज कर तो मैंने 1 से शुरू करना है 1 हो जाता है फिर 2 हो जाता है फिर 4 हो जाता है फिर 8 हो जाता है फिर 16 हो जाता है फिर 32 हो जाता है और फिर इस तरह करते करते इसने कहां तक जाना हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 10^200 तक जाना होगा यू ऑल एग्री हमें इस तक ही जाना होगा ना सेवन नहीं जाना होगा यू ऑल एग्री कैन यू गेस हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू रीच टू 10^200 है ना कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस क्वांटिटी 200 नीचे आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 10 हाउ मच इज दिस 3 पॉइंट समथिंग 4 ले लेते हैं यहां से ठीक है ये तो आ गया ओनली 800 सेकंड तो वो काम जो इतनी सेंचुरीज लग रही थी सॉल्व होने में यूजिंग दिस और पैरल प्रोसेसिंग और ब्ला 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 आप कर रहे हैं ये आपका छोटा सा जो टिंडू सा कंप्यूटर है वो भी इसको विद इन सेकंड आंसर यूजिंग दिस डबलिंग ओके दैट्स द नेक्स्ट कोर्स फॉर यू व्हिच विल बी डेटा स्ट्रक्चर्स ओके डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट टीचिंग यू अभी तक आप जो प्रोग्राम करते थे ना वो कि बस इसको सॉल्व करते थे लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द ग्रोथ ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट माइंड दैट इज टू लर्न अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ टू वर्क हाउ टू डिजाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली ओके इसका कोड भी कोई इतना मुश्किल नहीं है मैम अभी हम अभी 2 मिनट में कर सकते हैं कि इमेजिन करो कि मैं यूनिट जेल नहीं लिखा आप यूनिट जेल खुद लिख लीजिएगा ठीक है इसका कोड बिल्कुल साफ सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने ये काम करना है मैंने मल्टीप्लाई करना ओके मल्टीप्लाई क्या करना है ए को बी से हमने मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी इट्स रिजल्ट टाइप और आपके केस में वो यूनिट ऐसे होगा मैंने ए को बी टाइम मल्टीप्लाई करना हाउ आई विल गोइंग टू मल्टीप्लाई दीस टू क्वांटिटीज देयर इज नो वे मैं करूंगा कि मैं लुक एट दिस नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू कंप्यूट रिजल्ट बाय द वे अगर बी इज 0 तो मुझे क्या करना चाहिए ए नहीं जीरो वो बेसिक बेस कंडीशन यहां पर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिखा आप ए लिखे और साथ ही सी एक वेरिएबल बना लीजिए सबको बात सुना ठीक है नाउ लुक एट
Now look at this. What I am going to do is the following. I have to keep repeating these two steps. Result plus equal to result. ठीक है और c plus equal to c. ये काम हमने कब तक करना है? जब तक while c plus c is less than or equal to b. ये सब तो बात समझ आ रही है? That's it. यही करना ना मैं. ये काम हमने बार बार करना है. ये लूप जब टूटेगा तो क्या होगा? ये जब लूप टूटेगा तो क्या होगा? ये जब लूप टूटेगा तो कंडीशन ये होगी, है ना? यानी कि C में सब 64 पड़ा हुआ और B में कितना पड़ा हुआ? 100 पड़ा हुआ. और अब वो अगली कंडीशन हम नहीं करना चाहते. Do you all agree? Yes sir. Do you all agree? All right. The next most important step is the following. जब ये काम हो जाए, जब ये काम हो जाए तो हमने अब एक काम करना है. दोबारा से नया इंस्टेंस बनाना ना. तो हम एक काम करेंगे, C को पहला काम भी करेंगे, एक्चुअली B को B माइनस इक्वल टू C करते हैं. B माइनस इक्वल टू C का मतलब क्या है? 100 माइनस इक्वल टू 64. 100 माइनस 64 जो कितना हो गया? 36. Everybody understand? Now what do I do? I repeat this procedure. C plus C, actually on a C was C is less than B. Actually on C. Until B is not equal to. That's and that's the code. That's the code from here. I mean the moment this B becomes zero, iska matlab kya hai? Answer. बस एक काम यहाँ पर और कर रहे हैं, माइनस करने के बाद सी को हमें दोबारा शुरू करना है, व्हिच मींस सी को हमें क्या करना चाहिए? 1 1 1 ऑलराइट, आई एम डन. क्लियर? व्हाट अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट कोड. क्लियर? और भागल ने किया, अगर आप ये कोड बनाना चाह रहे हैं किसके लिए? यूज इंटीजर के लिए. तो अब आपने आपको कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड करने की जरूरत है? आपको प्लस ओवरलोड करने की जरूरत है, आपको लेस देन और इक्वल टू ओवरलोड करने की जरूरत है, आपको प्लस इक्वल टू ओवरलोड करने की जरूरत है और नॉट इक्वल टू ओवरलोड माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू तो दोनों पहले डजंट मेक सेंस. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट. काम करना चाहिए, छोटी गलती है कि वो हमें सेव करना चाहिए. जो है तो हमें काम करते हैं यहाँ पर, ये रखते हैं एक इंटीजर, ये रिजल्ट बनाते हैं इसका नाम है पहले ए, या इसको हम जीरो करते हैं. ठीक है, और एक और है इंटीजर इसका नाम है टी रिजल्ट. टी रिजल्ट मीन टेम्पररी रिजल्ट. इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ एक्चुअली हम टी रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या करते जा रहे हैं? टी रिजल्ट करते जा रहे हैं. और आखिर में जब ये बंद करते हैं तो हम एक और काम करते हैं, रिजल्ट प्लस इक्वल टू हम कर देते हैं टी रिजल्ट, और साथ ही टी रिजल्ट को हम क्या कर देते हैं? जीरो. ए आई एम जी जीरो. ठीक है, एब्सोल्यूट राइट, इक्वल टू दबा. ठीक है, अभी बढ़िया सर. ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट दोबारा शुरू कर दोगे तो वो फिर उससे डबल होना शुरू होगा, वो 1600 का डबल होगा. ठीक है, एब्सोल्यूट राइट. ठीक है, अच्छा ये हमने कर दिया, वी आर डन विद मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लेट मी रिजल्ट. My question, आप कहाँ हैं? डिवीजन नहीं हो सकते, है ना? आप डिवीजन नहीं हो सकते. Can anybody guess कैसे? Let's say अगर मैं कहता हूँ कि मैंने A divided by B करना है, बाद में A divide से हम expect क्या करते हैं? Divide से हम expect करते हैं कि दो चीजें डन करेगा, एक quotient और एक डिवीजन. ठीक है? मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये कि अगर for example मैं आपको कहता हूँ कि मैंने divide करना है और डिवाइड ये करता है, क्या लेट्स से 125 को
डिवाइड करना है 50 से, तो क्या आंसर आना चाहिए? जवाब कितना क्वेश्चन आंसर आना चाहिए और कितना रिमाइंडर आना चाहिए? क्वेश्चन आना चाहिए टू, क्वेश्चन क्या आएगा टू और रिमाइंडर कितना आएगा? 25 है ना? हाउ टू कंप्यूट दिस क्वांटिटी, हाउ टू कंप्यूट दिस क्वांटिटी, पहले विदाउट हम एफिशिएंसी के करते हैं, ठीक है? व्हाट इज डिवीजन, व्हाट इज डिवीजन माइनस मेजर डिवाइड, व्हाट इज डिवीजन बाय समथिंग डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर राइट, हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर इज इनसाइड ना almost correct. Basically, it's not multiplication. For example, 5 people या 10 people. तो actually divide करने का मतलब ये है कि actually उसको उसको 10 आपके पास लोग हैं, हम हर quantity, quantity को equally divide करना चाहते हैं. What is divide? Divide is actually subtraction. For example, अगर आपने 25 को 50 से divide करना है, all you have to do is how many time I subtract 50 from 125? Two. So that either this number finishes or this number shrinks to less than 50. You was right? How many time I have to subtract this? Two times. बस लास्ट वाला कोड़ी था be careful, मेरे ख्याल में अब ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक हो गए? All right, चलें अब हम ऐसे करते हैं, हम फिर शुरू करते हैं. हाँ, अच्छा ये आपका प्रैक्टिस मिटा में एग्जाम है आपके पास आज. अच्छा हमने कहा यार रविशंकर बंद कर दिया.